हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। एक नई वीडियो के साथ हम आपको सिखाएंगे भाई अर्थ इंचिस डिवाइड इन टू 16 ऑन ए टेप मेजर। जो 16 पॉइंट होते हैं हमारे पास एक इंच के अंदर, एक इंच में कितना होता है 16 पॉइंट, वो बटे होते हैं। तो वो हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्यों बटे होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या क्या उसके मायने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये विंडो फ्रेम होता है। अब आपको क्या करें, ग्लास आपने विंडो के ऊपर, ये विंडो हो गई, इसमें आपको क्या करना है, ग्लास फिक्स करना है। अब आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है इंच में एंड सूत्र में, फिट इंच एंड सूत्र। ठीक है, तो इसमें मेजरमेंट कहाँ करेंगे आप, फिट के अंदर, इंच के अंदर एंड सूत्र के अंदर। इस चीज़ में आप मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि डोर एंड विंडो है, वो फिक्सिंग करना है आपको, डोर विंडो फिक्सिंग करना है। या फिर कोई सरिया ले लीजिए, जो सरिया का जो सरिये की जो लेंथ होती है, सरिये की आपको मेजरमेंट की डिस्टेंस पड़ा। जैसे कि एक रिंग है, इस रिंग की लेंथ आपको निकालनी है, तो वो इंच, फिट, इंच एंड सूत्र में निकालेंगे। तो वो एक छोटी सी जो यूनिट है, इनसे एक छोटी यूनिट होती है, वो सूत्र में होती है, वो भी आपको मेजरमेंट करनी है। तो कैसे किस तरह से करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि मेजरमेंट ऊपर टेप होता है, तो उसके अंदर हमने 16 पॉइंट होते हैं, 0 से 1 इंच के अंदर, 0 to 1 इंच। तो इसके अंदर जो 16 पॉइंट होते हैं वो आपको देखना, मेजरमेंट करना है साइड के ऊपर। तो जैसे कि 1 इंच होते हैं 16 पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे होता है 0 से स्टार्ट होता है 1 तक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ में क्या होगा आपके पास, एंड 6, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पार्ट 8/6। तो यहाँ पे पार्ट होता है 8, जो एक ही चीज में होते हैं, टोटल 16 पॉइंट्स होते हैं। और 16 पॉइंट्स होने के बाद जो मिडल वाला होता है 18/16। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तभी आप आगे समझ पाएंगे क्या पर्पज़ है, क्या मेथड है। एक ये एक डोर विंडो है, ये आपकी डोर हो गया। ठीक है, आप या फिर कुछ भी कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, ग्लास फिक्स करना है। आपने क्या किया, शीशा की मेजरमेंट करी, ये आपका क्या हुआ, 10 इंची 4 सूत्र, या फिर 4.5 सूत्र, 4.5 सूत्र। ठीक है, ये इंच हो गया इसकी लंबाई, लेंथ, चौड़ाई हो गई आपकी। इसकी जब कुछ में क्लास फिक्स करना है, वो उसकी क्या हो गया, सपोज़ कीजिए 8 इंची 2.5 सूत्र। ठीक है, तो ये आपको क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप के अंदर ही करेंगे ना। तो वो कैसे करेंगे, उसके बाद देख लेते हैं। एक सरिया हो गया आपके पास, एक सरिया की लेंथ है 3 फिट 6 इंची 4 सूत्र। तो आपको क्या करना है, मेजरमेंट टेप के अंदर करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक ही होते हैं 1 इंच। 1 इंच के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो 16 पार्ट होते हैं, वो होते हैं सूत्र होते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट हुआ, ये हुआ आपके पास 0.5 सूत्र, 1/2। 1/2 कैसे हुआ, देखिए 1 इंच में होते हैं 8 सूत्र, हमेशा याद रखना है, 1 इंच के अंदर होते हैं 8 सूत्र। और जो ये 16 होते हैं इसके अंदर, देखिए हमने तो पता है कि 1 इंच में होते हैं 8 सूत्र, बट लेकिन ये 16 है कैसे है? जो 16 होते हैं वो आधा इंच होते हैं। देखिए आधा इंच गुना करेंगे 16, तो कितने होंगे, 2 8 16, तो कितने हुए हमारे पास, 8 सूत्र। ठीक है, 8 सूत्र हुए। तो हमारे पास ये टोटल कितने 8 सूत्र होंगे, 1 सूत्र में होते हैं 2/16 इंच, या फिर 1/8 इंच। ठीक है, 1/8 इंच। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वो जो पहला पॉइंट होता है वो 0.5 सूत्र होता है, जो दूसरा होता है ये 1 सूत्र होता है, फिर ये कितना हुआ, 1.5 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे है 4/16। तो जब 4/16 को लिखते हैं, 4 × 4 = 16, 1/4, तो 1/4 हमें पता है कि 1/4 ये क्या है, इंच है, 1/4 इंच। और 1 सूत्र में कितने होते हैं हमारे पास, 8 इंच। तो अब देखते हैं कितना ये सूत्र हो गया, एक इंच में 8 सूत्र, तो कितने हो गया हमारे पास, 1/4 × 8, तो 4 × 2 = 8, और कितना हुआ, ये 2 सूत्र हो गया। तो यहाँ पे ये कितना हुआ, 2 सूत्र। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मेजरमेंट के में करना है 10 इंच। 10 इंच आप लेते गए, 10 इंच आपको जानता है। अब 4.5 सूत्र आपको मेजरमेंट करना है। सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया आप 10 इंच, यहाँ पे आपको सपोज कीजिए 10 इंच हो गया। तो 10 इंच करने के बाद आपको क्या करना है, 4.5 सूत्र मेजरमेंट करना है। तो आधा, फिर 1, ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया।
चार के बाद साढ़े चार, तो यहाँ पे होने के बाद एक दो तीन चार और ये साढ़े चार, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितने हो गए आपके पास 10 इंची साढ़े चार सूत्र। जो ये दो पॉइंट होते हैं ये होते दो पॉइंट मिलाकर होता रहा है एक सूत्र, और एक इंच के अंदर होते हैं टोटल आठ सूत्र, और आठ सूत्र के भी आधा आधा होते हैं, एक सूत्र के आधा हो जो एक सूत्र से आधा होता है वो आधा सूत्र होता है। तो ये पॉइंट होते हैं ये सभी जो डिस्टेंस है ये आधा सूत्र के होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कन्फ्यूज मत होना कि आधा सूत्र फिर दो, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा एक सूत्र फिर दो सूत्र तीन सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है हमको, मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने के लिए क्लियर हो गया आपको, और ये तो हो गया आपको मेजरमेंट। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास है 10 इंच साढ़े चार, ठीक है, और ये है 8 इंच साढ़े ढाई, सॉरी ढाई, तो ये हमारे पास एल है ये ब्रेथ। तो आपको क्या करना है, अब इसके कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन निकालने के लिए हमेशा इसको क्या करना होता है, पॉइंट के अंदर करना होता है। तो 10 इंच है, तो 10 इंच पॉइंट, अब यहाँ पे साढ़े चार है, साढ़े चार क्या है उधर, तो साढ़े चार उधर को हमको क्या करना, कन्वर्ट करना है इंच के अंदर। तो साढ़े चार कितना हुआ 4.5, ठीक है। तो एक इंच के अंदर कितने होते हैं 8, ठीक है। तो एक सूत्र के अंदर कितने होते हैं 1/8, 1/8 किसके बराबर, कितने के बराबर होता है यहाँ पे देख लेते हैं। 1/8 कितना होता है हमारे पास 1/8 इक्वल टू 0.125, तो 0.125 इंच के बराबर होता है आपके पास सूत्र, ठीक है। तो हमारे पास कितने थे यहाँ पे 4.5, तो 4.5 इंटू 0.125 इक्वल टू 4.5 इंटू 0.125 इक्वल टू 0.5625। अब आपको क्या करना है, 10 प्लस 0.5625, ये आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10.5625 गुना, तो 8 ये ढाई है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, एक सूत्र में कितने थे हम निकाले थे हमने 0.125, अब इसको कितने में लिखेंगे 2.5, ये हमारे पास जो होता है 2.5 के बराबर होता है, तो 2.5 इंटू 0.125, तो 0.125 इंटू 2.5 इक्वल टू 0.3125। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, यहाँ पे कितना था 8, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 पॉइंट कितना था यहाँ पे 0.3125। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं 10.56, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को गुना करने पर जो भी आ गया आपके पास स्क्वेयर इंच आ जाता है, ठीक है। जैसे आगे देख लेते हैं एग्जाम, नए एग्जाम्पल का देख लेते हैं फिर। जैसे कि यहाँ पे होता है आधा, ये क्या हुआ 1/6, ये क्या होता है इंच, 1/6 इंच, 1/6 इंच कितने बराबर होगा पॉइंट के, ये 0.0625 इंच, क्लियर। अगर आपके पास लेकर आया था 2/16 इंच, 2/16 जो इतना पार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे जीरो आपके पास जीरो है, जीरो से वन तक, तो ये कितना हुआ 1/16, तो 2/16, 3/16, 4/16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, 16/16 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितना हुआ 16/16 होते हैं तो कितना हो जाता है एक, तो ये आपके पास हो गया एक इंच, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंच हो जाता है। तो यहाँ पे 2/16 ये जो मेजरमेंट है कितनी मेजरमेंट के बराबर होगा, ये सेकंड है तो ये कितने मेजरमेंट के बराबर होगा 2/12, तो 2/16 कितना हुआ 0.125, तो 2 से यहाँ पे कर देते हैं तो कितना हो जाता है 1/8, 2 से 16 करते हैं तो 1/8 होता है, ये कितना हुआ 1/8, 1/8 इंच किसके बराबर होगा आपके पास एक के बराबर, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सपोज़ कीजिए आपने डायरेक्ट मेजरमेंट करा यहाँ पे, सपोज़ कीजिए आपने 5 इंच साढ़े चार अगर आपने मेजरमेंट करा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 4/4 1/5 मतलब साढ़े चार, तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हो गया, और ये कितना हुआ 5, साढ़े चार, यहाँ पे जो मेजरमेंट होगी आपके पास साढ़े चार की होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे कितना था ये 5, यहाँ पे 5 इंच आ गया, 5 के बाद आपने क्या किया यहाँ पे साढ़े चार इंच हुआ, तो इसको क्या करना है आपको, साढ़े
क्या हुआ 4.5, तो 4.5 को क्या लिखते हैं 4.5 इंच, 4.5, सॉरी यहाँ पे इंच सूत्र मेजरमेंट करा था हमने, ये सूत्र होते हैं ठीक है। सो इतने सूत्र होंगे किसके बराबर, यहाँ पे कितने थे ये 8 और 1 9, 9/16 इंच के बराबर ठीक है, 9/16, तो 9/16 इक्वल टू 0.5625, इक्वल टू 0.5625, तो 9/16 देख लेते हैं यहाँ पे, तो 9/16 कितना था 0.5625। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि याद करने के लिए टेबल भी बना सकते हैं, इस तरह से टेबल बना लेंगे तो तब भी आप आपके लिए आसान रहेगा ठीक है। तो इसको 9/16 को मैं क्लियर कर, देखो यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ मैं, 2 2 6 8 2 8 16, सॉरी 9/16 है, 9/16 है यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर लेते हैं ठीक है। तो 4.5 ये आप कितने हुआ, ये इसके कितने बराबर होता है, ये 4.5 के बराबर, ये कितना हुआ 5 के बराबर ठीक है, और ये कितना हुआ 5.5, ये कितना होता है 6 ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल अपना एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पे 5/16 इंच होता है, ये 5/16 इंच किसके बराबर होगा 0.3125, 0.3125 क्या हुआ, ये इंच हो गया, ये सभी क्या है, ये इंच है। अगर आपके पास कहीं भी लिखा है, लिखा रहता है 8/16 इंच, तो वो किसके कितने इंच के बराबर होता है 0.50, तो 6/16 इंच लिखा रहता है 0.3775 ठीक है। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल दूसरा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसका जो लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पे भी आगे देख सकते हैं 16/14/16 होता है, तो वो होता है 0.875 के बराबर होता है ठीक है। तो एग्जांपल देख ले, 1 इंच होता है बराबर 16 पार्ट्स के बराबर, 1/16 होता है कितने के 0.625, या फिर इसको बोल सकते हैं आप आधा उत्तर ठीक है, आधा सूत्र भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1/8 इंच में होते हैं आपके पास एक सूत्र, तो 1/8 है ठीक है। तो इस तरह से ले लेंगे, 1 इंच के अंदर 1/16 हो गया, तो 1 इंच बराबर 1 इंच में कितने पार्ट होते हैं 16, तो 16 पार्ट्स होते हैं, और आधा जो आधा इंच है, आधा सूत्र के पार्ट्स जो इसका, जैसे इसको उसको गुना करेंगे तो 0.625, दोनों गुना कर देता हूँ कितना हुआ 14। जैसे कि जो इस वाले से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितना है पॉइंट के अंदर 0.0625, जब इस पॉइंट की इतना डिस्टेंस है इंच है, तो कितने एक इंच में कितने पार्ट्स हैं 16, तो जब इन दोनों को गुना कर लेंगे, इन दोनों गुना कर देते हैं कितना हो जाता है 1 इंच ही आ जाता है। एग्जांपल 2 देख लेते हैं, लंबाई हमारे पास 10 फीट 2 इंची 3/16 इंची, जैसे कि 10 फीट है और 2 इंची आपके पास 3/16 इंच है, आपने क्या किया इंच के अंदर कन्वर्ट किया, यहाँ पे आपके पास है 10 फीट, यहाँ पे आपके पास ये लेंथ है 10 फीट की है, और 2 इंची है, 2 इंच के बाद 3/16 इंची और है, ये भी इंची के अंदर है अपने पास ठीक है। 10 फीट है, 2 इंची और 3/16, 3/16 कहाँ पे आपने मेजरमेंट के अंदर लेंगे, यहाँ पे 3/16, 1 इंच के अंदर, 1 फीट इंच के अंदर होते हैं 16 पार्ट्स, तो एक जैसे आपने क्या यहाँ पे क्या किया 1 2 3, 3/16 लिख दिया, 3/16, तो 3/16 आपने कर दिया। इसको टोटल मेजरमेंट कितनी हो गई आपके पास 10 फीट 2 3/16 इंच, 3/16 इंच हो गया। तो आपका क्या करना है, टोटल मेजरमेंट टोटल पॉइंट के अंदर क्या आएगी, तो 10 फीट प्लस इसको भी क्या करना है इंच को, 2 1 इंच में कितना होते हैं 12, प्लस 3/16 है, 3/16 को आपका क्या करना है 3/16 3/16/12, अब उसको क्या करना है 3/16 को कैलकुलेशन कर लीजिए, 3/16 इक्वल टू 0.1875 इंच, इसको भी क्या करना है 12 से क्या करना है आपको फीट के अंदर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है फीट के अंदर, कैसे करेंगे, 1 फीट के अंदर होते हैं 12 इंची, 1 फीट के अंदर होते हैं आपके पास 12 इंची, तो हमारे पास 2/12, ये आपके 2 इंची है, 2 इंची को कन्वर्ट करेंगे फीट के अंदर, तो फीट के अंदर आ जाएगा। तो टोटल कितनी लंबाई होगी 10 प्लस 2 को 12 से भाग करते हैं 2/12 इक्वल टू 0.166, 0.166
तो ये 2 इंच किसके बराबर हुआ, कितने फिट के बराबर हुआ, 0.166। प्लस कर लेते हैं, 3/16 कितने के बराबर हो गया, 0.01875/12 = 0.1, 0.015। ठीक है, ये टोटल कैलकुलेशन करने के लिए जो इसकी लंबाई आपने यहाँ पे ली, ये आपके पास एल है, ये आपकी बी लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी है आपके पास 10 पॉइंट। अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो 10 + 0.16 + 0.015 = 10.181। तो 10.181 आपके पास क्या हो गया, फिट आपके पास लंबाई आ गई। अभी तो आप इसका एरिया निकालेंगे, जब आपको पता है कि लंबाई हमारे पास है, हमारे पास 10 फीट 2 इंची 3/16 इंच, तो कैसे इतना एरिया आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।